को टीम खंगालने में जुटी हुई है। हॉस्पिटल संचालक से भी पूछताछ की जा रही है। तो 5 सदस्यीय टीम मालपानी हॉस्पिटल पहुंची है। सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया की ये टीम है। सीडीआईसी की टीम पहुंची है मालपानी हॉस्पिटल। 5 सदस्य हैं इस टीम में, जो कि रिकॉर्ड को खंगालने में इस वक्त जुटे हुए हैं। अस्पताल संचालक से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर जयपुर से, जहां मालपानी हॉस्पिटल पहुंची केंद्रीय ड्रग कंट्रोल टीम ऑफ इंडिया, इस वक्त सर्च कर रही है। 5 सदस्यीय टीम मालपानी हॉस्पिटल पहुंची है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को टीम खंगालने में जुटी हुई है। अस्पताल संचालक से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे समाचार रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रोशन, यहां पर 5 सदस्यीय टीम पहुंची है, रिकॉर्ड्स चेक कर रही है, आखिर क्या वजह है? क्या कुछ अनियमितताएं की रिपोर्ट मिल रही थी या फिर ये रूटीन रेड है? आस्था, बिल्कुल मैं बता दूं, अभी हम मौजूद हैं मालपानी हॉस्पिटल के यहाँ पर। पूरा जो घटनाक्रम है मैं बताना चाहूंगा। आज से 2 दिन पुरानी बात है, यहाँ पर जो कुछ लोगों को यहाँ पर मजदूरी के नाम पर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया, उन्हें कुछ पेमेंट भी देने की बात की गई, और तमाम उन तकरीबन वो 28 से 30 ऐसे मजदूर बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर ऐसी ड्रग्स ऐसी दी गई उन्हें रिसर्च के लिए, वो इस हॉस्पिटल की तरफ यहाँ पर दी गई है, हॉस्पिटल के अंदर दी गई है। उसी को लेकर जो एथिकल जो यहाँ पर कमेटी होती है वो उससे रिलेटेड यहां पर अभी तक कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है, जो ड्रग दिया गया है वो भी अब ड्रग यहां पर नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो मरीज थे उन मरीज की तबीयत थी वो बिगड़ने लगी थी, उसके बाद में ये पूरा मामला खुलता है। और जब राजस्थान यहां पर जो चिकित्सा विभाग की टीम पहुंचती है तो कई अनियमितताएं सामने आती है। जब कल ये खबरें आई मीडिया के अंदर, उसके बाद में जो केंद्रीय जो ड्रग कंट्रोल जो टीम है वो भी दिल्ली से यहां पर आई है, और अभी पूरी गहनता से रिसर्च यहां पर चल रहा है। हॉस्पिटल के अंदर तमाम वो टीम के तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं जो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से यहां पर खंगाल रहे हैं। पूरे तमाम जो ड्रग्स है, ड्रग्स को यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि वो जो ड्रग्स है, ऐसी जो दवाइयां हैं जो ये जो जांच के अंदर क्लिनिकल जांच के अंदर ली गई हैं। आप हमें तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार की हलचल वहां पर देखी जा रही है। अचानक ही टीम वहां पर पहुंची है, तो अस्पताल में किस तरह का माहौल है, वहां क्या कुछ चल रहा है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप वहां की ताजा तस्वीरें दिखाएं। आस्था, मैं बता दूं, अभी हम मालपानी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, और इस जो टीम आई हुई है, टीम ने पूरे जो हॉस्पिटल है उसके गेट्स बंद करवा दिए गए हैं, और अंदर काफी गहनता से यहाँ पर जो सर्च चल रहा है। जो पूरा हॉस्पिटल है, 4 मंजिला ये पूरा हॉस्पिटल है, इसके अंदर जो बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर जो हॉस्पिटल से जो तमाम जो रिकॉर्ड्स थे यहाँ पर पेशेंट्स को लेकर जो रिकॉर्ड्स थे, उन रिकॉर्ड्स को जब्त किया गया है। लेकिन अभी तक जो सूचनाएं ये मिल रही है कि जो जिन पेशेंट्स को यहाँ पर एडमिट किया गया था, जिनको लेकर यहाँ पर जो रिसर्च किया जा रहा था, जो पूरी तरीके से गैरकानूनी है, उनको लेकर अभी तक किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में जो पूरा मामला है काफी तरीके से काफी बढ़ चुका है, काफी गंभीर हो चुका है। ऐसे में बड़े जो सवाल उठते हैं कि जो एथिकल जो रिपोर्ट होती है, जो परमिशन होती है, वो भी इस हॉस्पिटल के पास में नहीं होना बताया जा रहा है। जी हाँ, तो कई रिपोर्ट्स, कई परमिशंस हैं जो इस हॉस्पिटल के पास नहीं है। जी राजस्थान ने इस खबर को पुरजोर तरीके से उठाया था, और उसके बाद ये यहां पर ड्रग्स कंट्रोल की टीम पहुंची है, लगातार वहां पर सर्च कर रही है और लोगों से भी पूछताछ कर रही है। किस प्रकार की बड़ी अनियमितताएं यहां पर देखी जा रही थी, काफी वक्त से लोग मांग कर रहे थे लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। तो लगता है हमारी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स को इस वक्त टीम खंगालने में जुटी हुई है। पीड़ित लोगों को दिहाड़ी मजदूरी के नाम पर अस्पताल लाया गया था। दवा के ट्रायल की जानकारी लगते ही अस्पताल से ये पीड़ित